जीवन के वो पल अद्भुत होते हैं जिन पलों में हम अपने आराध्य से जुड़ते जुड़ते चले जाते हैं। महावीर कथा मेरे लिए एक अत्यंत अमृत महोत्सव है। इस कथा के माध्यम से प्रभु महावीर के साथ गुफ्तगू करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उनसे जुड़ने के बाद उनको सोचने के बाद उनको अपनी जिह्वा का अपनी सोच का विषय बनाने के बाद एक आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। थोड़ी देर ही हम कथा के माध्यम से प्रभु से जुड़ते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसी तृप्ति का अनुभव होता है मानो ये खुराक हमारे 24 घंटे तक पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखती है, जो मनुष्य जाति के लिए बेहद उपयोगी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि नकारात्मक सोच से हम नरक में जाने वाले हैं, सकारात्मक सोच से हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। इतना अंतर है। नकारात्मक सोच हमें नरक की ओर धकेलती है, सकारात्मक सोच हमें स्वर्ग से जोड़ती है, सुख से जोड़ती है, आनंद से जोड़ती है। और हम जब सकारात्मक सोच के प्रतिमान वर्धमान से जुड़ते हैं, क्योंकि वहां कोई नेगेटिविटी है ही नहीं, क्योंकि सकारात्मक जब चरम उत्कर्ष पर होती है तभी जाकर के मोहनीय कर्म कमजोर पड़ता है। धीरे धीरे क्षय होता है तब जाकर के हमें केवल ज्ञान होता है। लीजिए पहले दो पंक्तियां गुनगुना लेते हैं। हर दम जुबां से निकले, हर दम जुबां से निकले महावीर नाम प्यारा, हर दम जुबां से निकले महावीर नाम प्यारा, श्री वीर जी का हर पल हमको मिला सहारा। हर दम जुबां से निकले, हर दम जुबां से निकले महावीर नाम प्यारा, श्री वीर जी का हर पल हमको मिला सहारा। हम दास हैं प्रभु के, चरणों के हैं उपासक, हम दास हैं प्रभु के, चरणों के हैं उपासक,
मेरे देव और स्वामी सब कुछ है वो हमारा, मेरे देव और स्वामी सब कुछ है हमारा, हर दम जुबां से निकले महावीर नाम प्यारा, हर दम जुबां से निकले महावीर नाम प्यारा, श्री वीर जी का हर पल हमको मिला सहारा, बरसा के धर्म का धन, क्योंकि महावीर के पास सिवाय धर्म के कुछ है भी नहीं, बरसा के धर्म का धन तर किया है दिलों को, बरसा के धर्म का धन तर किया है दिलों को, आया जो चल शरण में कृपा से उसको तारा, आया जो चल शरण में कृपा से उसको तारा, हर दम जुबां से निकले महावीर नाम प्यारा, हर दम जुबां से निकले महावीर नाम प्यारा, श्री वीर जी का हर पल हमको मिला सहारा, सारे जहां के अंदर सानी मिला न तेरा, सारे जहां के अंदर सानी मिला न तेरा, विकसित कमल सा चेहरा सोहे था खूब सारा, विकसित कमल सा चेहरा सोहे था खूब सारा, हर दम जुबां से निकले महावीर नाम प्यारा, हर दम जुबां से निकले महावीर नाम प्यारा, श्री वीर जी का हर पल हमको मिला सहारा, प्रभु ने प्रभु के दया धर्म की चर्चा करे चमाना, प्रभु के दया धर्म की चर्चा करे जमाना, भारतीय डूबता था प्रभु वीर ने उबारा, भारतीय डूबता था प्रभु वीर ने उबारा, हर दम जुबां से निकले, हर दम जुबां से निकले महावीर नाम प्यारा, श्री वीर जी का हर पल हमको मिला सहारा, चंदन फिदा तू हो जा, चंदन फिदा तू हो जा, बस नाम पे प्रभु के, चंदन फिदा तू हो जा, बस नाम पे प्रभु के, जन्मों मरण का तेरा संकट मिटेगा सारा, जन्मों मरण का तेरा संकट मिटेगा सारा, हर दम जुबां से निकले, हर दम जुबां से निकले महावीर नाम प्यारा, हर दम जुबां से निकले महावीर नाम प्यारा, श्री वीर जी का हर पल हमको मिला सहारा। ये जादू है महावीर का, लेकिन ये जादू उसी के साथ होता है जब दिलवर से बात करता है, जब इस दिल का दिलवर होता है,
जब इस दिल का शहंशाह होता है, जब वो इस दिल का बादशाह बनता है, तब ये चमत्कार होता है। क्योंकि जुबा पर महावीर हो और दिमाग संसार में हो तो महावीर का कभी कनेक्शन जुड़ता नहीं है। जो उसका अमृत है उस अमृत से साक्षात्कार नहीं होता। कहते हैं कि पारस उसी लोहे को सोना बना सकता है जिस लोहे पे कोई लेप लगा हुआ ना हो। अगर एक पतली सी ट्रांसपेरेंट अगर प्लास्टिक की पन्नी भी चिपकी हुई है ना, तो पारस को कितना भी जोड़ के रख लेना, लोहे में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। दूर से ऐसा लगे कि कुछ है ही नहीं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऐसी चीज होती है कि पता ही नहीं लगता कि कुछ चीज चिपकी हुई है। तो इसलिए कहते कि कोई भी चीज अगर लेपित है, चिपकी हुई है, तो पारस की भी ताकत नहीं है उसे सोना बनाने की। पारस एक बात कहता है कि जिस लोहे को मेरे से टच कर रहे हो, बस उस पर कुछ और चीज चिपकी ना। तो ये महावीर की कथा उन्हीं के लिए अमृत बनती है, उन्हीं के लिए जीवनदायी बनती है। जो दिल में महावीर को रखकर महसूस करते हुए चलता है। लीजिए, हम महावीर को बचपन से लेके 16 वर्ष तक ले आए हैं, तो 16 वर्ष की उम्र में उनके जीवन में एक घटना घटित हुई। इस घटना के संबंध में दिगंबर और स्वतांबर में कुछ मान्यता भिन्नता है, क्योंकि दिगंबर मान्यता महावीर का विवाह नहीं मानता, लेकिन स्वतांबर मान्यता उनका विवाह मानती है। और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मत सोचना कि विवाह हो गया तो वो तीर्थंकर नहीं बन पाएंगे। चौबीस तीर्थंकरों में अधिकांश सब विवाहित हैं, अधिकांशतः, केवल 3-4 को छोड़ करके, नहीं 5 तो दिगंबर हम, 4 को छोड़ करके 5, क्योंकि महावीर के बारे में स्पष्ट नहीं है कौन सही है कौन गलत है, हमको इस पचड़े में नहीं पड़ना। ये तो मान्यता है, क्योंकि विवाह कोई ऐसा नहीं है कि उनके कैवल्य में कोई बाधा डाल रहा है। कुछ लॉजिक हैं जो कभी कभी मुझे इस स्वतांबर आमनाई की बात को सत्य साबित करने को महसूस होने देता है, क्योंकि प्रभु महावीर ने मां के पेट में ही संकल्प कर लिया था कि जब तक मेरी मां और मेरे बाप है तब तक मैं दीक्षित नहीं होऊंगा। ये उन्होंने पेट में ही संकल्प कर लिया था, और ये संकल्प किया भी इस वजह से था कि वो तो मां का भला करने चले थे। जब महावीर मां के पेट में थे तो उठने बैठने में मां को तकलीफ होती थी। बच्चा जब अंदर कुछ पदचापी कुछ करता है, हिलन डुलन करता है, तो मां को दर्द होता है, पीड़ा होती है। मेरी मां को कोई दर्द ना हो, इस वजह से उन्होंने सभी अपने अंगों पांगों को संकुचित कर लिया था, और त्रिशला बेहोश हो गई ये सोच के कि लगता है मेरा बच्चा
खत्म हो गया। जब वो बेहोश हुई है, मछली की तरह तड़फी है, तब महावीर ने अंदर ही माथा पीटा कि क्या सोच के मैंने किया था, क्योंकि ये मातृत्व है। मां की गोद में जब बच्चा होता है तो अपनी छोटी छोटे पांव से जब लात मारता रहता है, उस लात में भी उसे एक संगीत का अनुभव होता है, एक मिठास होता है, ये मातृत्व होता है। तब उन्होंने अपना अंग संचालन शुरू किए और मां को राहत दी। अच्छा, मेरी मां, मैं कुछ और सोच रहा था तो कुछ और सोच गए, मैं कुछ और कर रहा था कुछ और समझ गए। तब कहा था कि कमाल है, थोड़ी देर का अंग संचालन बंद किया तो तूफान मचा दिया मेरी मां ने, और इनकी आंखों के आगे इनको छोड़ करके जब मैं जाऊंगा तो क्या हाल हो जाएगा इनका। तो 30 वर्ष तक रहे हैं वो घर में, तो अविवाहित तो नहीं रह सकते। और हर मां बाप का एक सपना होता है, मैं अपने बच्चे का विवाह अपनी आंखों के आगे देखूं। ये कहानी है, ये बात है, ये लॉजिक है, कौन कितना सटीक है। मैं इतना जरूर कहता हूं, जो उनका विवाह नहीं मानते तो ये मत समझना कि विवाह होने से महावीर को छोटे हो जाएंगे। मेरे कहने का भाव ये है, या विवाह नहीं होने से बहुत बड़े हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये मामला इंटरनल है। और ये शादी विवाह सब कुछ बाहर का है। तो सबसे पहले नंदीवर्धन का विवाह हुआ, जो महावीर यानी वर्धमान के बड़े भाई हैं। सुजेष्टा के साथ फिर उनकी बहन सुदर्शना का विवाह हुआ, क्षत्रिय कुमार के साथ। दोनों बहन भाइयों के विवाह से निवृत्त होकर त्रिशला ने सिद्धार्थ की ओर देखा, यानी अपने पति की तरफ, कि छोटा रह गया। सिद्धार्थ कहते, मुझे तो उससे बात करने में डर लगता है, वो जब देखो ध्यान की मुद्रा में बैठा रहता है, वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, वो तेरे पे ज्यादा मरता है, तू ही बात कर ले। जब देखो मां मां जैसे हम है ही नहीं, शिकायत होती है, ये अपने बेडरूम में सब बातें चलती रहती है। फिर अपने लाडले को ढूंढती ढूंढती, क्योंकि 7 मंजिला भवन, कई कमरे, और ये नहीं पता रहता था वर्धमान कौन से कमरे में ध्यानस्थ है। वो ढूंढती 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 बहुत देर के बाद मिला, और वो भी मिला तो ध्यान मुद्रा में। पहले उनकी ध्यान मुद्रा को देखती, मां को इतना प्यार आया, फिर वहां से चली आई अपने पति के पास बैठ के। कहां है तुम्हारा लाडला? ध्यान? हाँ, वो मुझे मालूम था ध्यान में ही होगा। कुछ भी कहो जी, मेरे वर्धमान है तो सबसे निराल। और जब वो अपनी मंद मंद आंखें बंद करके ध्यानस्थ होता है तो उसके चेहरे से क्या नूर बरसता है। हाय, बलिहारी जाऊं मैं, लेकिन थारी बात भी सही है, अब उम्र हो गई है, विवाह की बात कैसे करें, महारे भी कुछ अरमान है, मेरी वर्धमान
कि नई नवेली दुल्हन जब राजमहल में आएगी तो कितना अच्छा लगेगा और वो कितनी भाग्यवान होगी जिसको मेरा वर्धमान मिलेगा। तो कल्पना में खोते खोते उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसकी आंखें भर आई और जैसी मां की आंखों में आंसू आए, देखो देखो ये है कनेक्शन, जैसी मां की आंखों में आंसू आए उधर वर्धमान का ध्यान भंग हुआ क्योंकि मां रो रही है। एकदम दौड़ता हुआ वहीं पहुंच गया सामने, मां तो काय को रोती। बस ऐसे ही, अच्छा मेरी मां मुझे मालूम है तेरी आंखों में आंसू किस लिए आए, तू अपने मन की निकाल ले, जो करना है तू कर। तू मेरे विवाह को लेके बहुत टेंशन लेती ना, मैं महलों में रहते हुए तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये शब्द सुनते ही राजा सिद्धार्थ उछल के पड़े और एकदम अपने छोटे को छाती से लगाए। सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम् मध्यस्थ भाव। तो कहते कि जब तवा गरम हो विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विददा। जिसका दिमाग कुछ चेंज हो गए उससे पहले काम कर लो, आज ये काम तो तुमने करना है। जब भी उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की स्मृति होती है, बसंतपुर के राजा समरवीर, तब ये श्लोक उनकी लाडली बेटी जसोदा कुचपा स्वामी का है। मैंने जब देखा अपने मित्र समरवीर की उस पुत्री को जसोदा को कहीं ऐसा लगता है कि जसोदा कहते हैं और वो बिल्कुल बिल्कुल मेरे वर्धमान के लिए उचित लगती। उपाध्याय जी ने अपने जीवन में आत्मसात और ये सब वर्धमान की उपस्थिति में बोला जा रहा है, मैत्री भाव, और वो जानबूझ के बोल रहे हैं क्योंकि जसोदा के साथ महावीर ने भी देखा था, वर्धमान ने भी देखा था। किसी भी प्रकार की कड़वाहट को, किसी भी प्रकार के विद्रोह को, किसी प्रकार कुछ कहा नहीं, वे मनुष्य को ना वो मुस्कुराए ना वो उदास हुए, सहज एक गिव अप करते छोड़ देते, मैत्री भाव रखे हुए खड़े रहे। और कमाल है राजा सिद्धार्थ त्रिशला से बात करे और उन्हें से महावीर को देखे, सभी के लिए का क्या अदरास्पद बनाती है। ऐसी करते हो ना आप लोग भी उनके साथ संवाद करते समय किसी, किसी को किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं। कभी कभी ऐसा होता है सुनावे किसी को गुणिषु प्रमोदम, कहे किसी को जहां कहीं उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति में कुछ विशेषता है, ये काहे को ऐसे चक्कर में पड़ते हैं, कुछ श्रेष्ठता है, कुछ क्वालिटी है। एक बार हुआ था उस क्वालिटी को देख करके उनके मन में प्रसन्नता आती और उस क्वालिटी का कैसे संघ के लिए उपयोग किया जाए। याद आ गई करनाल की बात, कैसे संघ के प्रकाश के लिए विकास के लिए तो उसका विनियोग किया जाए, इस कला में वो मास्टर है। तो मैंने उससे दो दिन के लिए बोलना बंद किया हुआ था, श्रावक श्राविकाओं को और साधु साधियों को, उन्होंने उनके अंदर तो सुप्त उदाहरण क्वालिटी के तरफ उनका लक्ष्य आकर्षित कर करके तो वह पंखा लगा डेवलप किया। तो पंखे को देख के बोला, गुणी होना ए पंखे और गुणों से प्रेम होना, गुणियों से सौहार्द भाव होना, कहो तो पानी ला दूं, कुछ अन्य जुदा क्वालिटी है। मैं इतना हंसा, मैंने कहा रे तू सीधा जीवेशु कृपा पर तेरी, आप बोल भी तो नहीं रहे थे ना, और कोई दुखी उनके पास तो पहुंच जाए, कोई समस्या उनके पास पहुंच जाए। कभी कभी हमारी ये माताएं होती है ना, उस समस्या को जेठानी को बोलती है, देवरानी को सुनाती है, उसका समाधान। कमाल की बात है, उसको बोल तो भाई, कहे को तुम इधर उधर से बात घुमाते रहते हो,
कहे से तुम संघीय श्रमण संघीय साधु साधु एक तरीका होता है, एक शिक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रभु महावीर तटस्थ खड़े रहे, वैदिकीय व्यवस्था को लेकर रिश्ता पक्का हो गया, चर्चा तो सभी करते हैं, रिश्ता पक्का होने से पहले वर्धमान लेकिन समस्या का समाधान निकालने के लिए सक्रिय हुए सी उपाध्याय श्री रविंद्र कर रहा हूं और ऐसा नियोजन किया उन्होंने, इनकी वजह से कर रहा हूं, आई एम नॉट कि सहज एक अध्ययन की परंपरा का हमको विवाह में कोई रुचि नहीं है, अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था का फिर मत कहना, एक सुंदर नियोजन उन्होंने कर लिया कि हमको धोखा दे करके चले गए, मेरी नियति जहां कहीं उनको लगता है कि शक्ति से मेरे विचार नहीं मिलते हैं, मेरी नियति तो विरोध नहीं करते, घर छोड़ना है तटस्थ हो जाते हैं, मेरी नियति संन्यास है, गुणवत्ता मेरी नियति श्रमणत्ता है, इनको संग सेतु बनाई हुई है, मैं तुझे किसी गलत फहमी में रखना नहीं, मैत्री भाव प्रमोद भाव कृपा भाव, देखिए कितनी मध्यस्थ भाव की प्रभु महावीर के जीवन को जहां से भी इन चतुर आयामों में जहां से भी मैं जीने वाले उनकी जो एक पारदर्शिता है ट्रांसपेरेंसी है वो दिल को छू जाती है, दीक्षा दिन मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि जैन संतों में महावीर जैसी ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं आ पाई, चार और पांच नौ का अंक बन रहा है क्योंकि हम संत लोग, क्योंकि एक चीज और मंगल भावनाएं हमें अभिनंदन करते हैं, हो सकता है मेरी बातें खटक जाए निरंतर ऐसे ही, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया ही नहीं है, मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया यात्रा, चाहे साधु हो चाहे साध्वी हो चाहे श्रावक हो चाहे श्राविका हो, जो कट्टरवादी स्वस्थता से संग समृद्ध बनता रहेगा इसी मंगल भावना, झूठ बोलते हैं वो उनके दीक्षा दिन पर, झूठ बोलते भी हैं झूठ बुलवाते भी हैं, ये कट्टरता है ही ऐसी चीज, इसलिए कहता हूं कि कट्टरवादी कभी संभावी हो ही नहीं सकता, कट्टरवादी भेदभाव हो भेदभाव कर सकता है लेकिन संभाव नहीं ला सकता, और जो संभाव नहीं ला सकता वो कभी महावीर की साधना कर ही नहीं सकता, कट्टरवादी कट्टरवादी की जबान पर महावीर हो सकते हैं लेकिन कट्टरवादी के जीवन में कभी महावीर नहीं हो सकते, ये कुछ बातें चुभने वाली बोलता हूं मैं, लेकिन मैं बहुत इस बात को महसूस करता हूं जिस भगवान की नाम की हम खा रहे हैं, जिस भगवान के नाम से हम जी रहे हैं, हम उसी महावीर के साथ दगा क्यों कर रहे हैं, हम उन्हीं के साथ दुनिया का, क्योंकि तीर्थंकर से बड़ा कोई ईमानदार इस धरती पर कोई नहीं हो सकता, ऐसे ईमानदार व्यक्तित्व के हम बेईमान कहां से हो गए, क्योंकि समाज का वातावरण जहां भी बिगड़ा है वो महावीर की वजह से नहीं बिगड़ा, क्योंकि अगर जो थोड़ा बहुत सुधरता भी है ना तो महावीर की वजह से सुधरता है, और बिगाड़ने में महावीर का एक रंच मात्र भी सहयोग, ये हमारा मस्तिष्क का रोल हो सकता है, हमारे स्वार्थ का रोल हो सकता है, हमारी महत्वाकांक्षा की भूमिका हो सकती है, लेकिन महावीर की नहीं। तो जसोदा ने एक ही बात कही कि मैं एक बात जानती हूं कि मैं वर्धमान की जीवन संगनी बन रही हूं, यह संयोग कब तक रहेगा और कब छूट जाएगा, मैं इन पचड़ों में नहीं पड़ती, मैं इन लफड़ों में नहीं जाती, क्योंकि जब भी मेरे वर्धमान की कहानी लिखी जाएगी तो मेरा नाम आपकी जीवन संगनी के रूप में आएगा। ओए क्या बात है, विवाह हुआ, एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम प्रिय दर्शना, ये उम्र का यही पड़ाव चल रहा है जिस पड़ाव की मैं बात कर रहा था,
15 वर्ष 16 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में ही प्रियदर्शना का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद इधर राजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला यानी माता त्रिशला को ऐसा महसूस होने लगा कि अब विदाई की बेला। इधर महावीर 28 वर्ष पूर्ण करते हैं उम्र के, और इधर पता चला कि अब माता पिता की उम्र केवल 15 दिन की रह गई है। उस वक्त प्रभु महावीर ने एक सुपुत्र की भूमिका अदा की, उनको महल से निकाला, कहा कि माता पिता को कहा कि तुम दीक्षा नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, लेकिन दीक्षा लेने से पहले इस महलों का त्याग कर दो। एक उद्यान में पर्णकुटी, पर्णकुटी जानते हो, तिनकों की झोपड़ी, पर्णकुटी जिसको स्वच्छ किया गया, एक आसन बिछाया गया, और ये सब प्रक्रियाएं खुद कर रहे हैं। आसन बिछाया गया, संस्तारक बिछाया गया, और उस बिस्तरे पर अपनी माता पिता को लेटाया और जीवन की नश्वरता का पाठ पढ़ाना शुरू किया और ये समझाना शुरू किया कि अब इस शरीर को छोड़ना है, लेकिन छोड़ने से पहले धर्म से जुड़ना है, छोड़ने से पहले महलों को छोड़ देना है, छोड़ने से पहले राजकोष को छोड़ देना है, छोड़ने से पहले राज्य से रिश्ता तोड़ देना है। आत्मा से रिश्ता जोड़ो, आत्मा से रिश्ता जोड़ो, आत्मा ही शाश्वत है, ये सब नश्वर है, इसको छोड़ना ही होगा, छोड़ना ही होगा। उद्बोधन दिए जा रहे हैं और अपने पुत्र के इन अंतिम उद्बोधनों को ग्रहण करते जा रहे हैं। मोह का ज्वार, मोह का ज्वर, मोह का बुखार कम होने लगा, कम होने लगा। 15 दिन की संथारे की इस प्रक्रिया से गुजारा प्रभु महावीर ने अपने माता पिता को। जब उनका प्रयाण हो गया, देहावसान हो गए, स्वर्ग में चले गए, उनकी दाह संस्कार की क्रिया संपन्न की अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के साथ मिलकर। चिता जल रही है, पूरी जनता वहां खड़ी हुई है। नंदीवर्धन ने वर्धमान का हाथ पकड़ रखा, नंदीवर्धन ने वर्धमान की ओर देखा, पिता के वियोग में नंदीवर्धन भी रो रहा है, लेकिन वर्धमान की आंखों में कुछ नहीं। वर्धमान ने कहा, भैया रोना नहीं, वो दुनिया की दलदल में फंसे हुए नहीं गए, वो धर्म करते हुए गए, संथारा किया है, ठीक है मुक्त नहीं हो पाए लेकिन मुक्ति के करीब है, और ऐसी महान आत्माओं के लिए रोना अच्छी बात नहीं। वाह, मूर्द घाट में शमशान में भी सम्यक ज्ञान की बरसात हो रही है, ये वही जानता है जो इस चीज को महसूस करता। आ गए नंदीवर्धन, बड़े थे, जब
ये पल बड़े भावुक होते हैं, बहुत भावुक होते हैं। यहां पर जो उठाले के वक्त पगड़ी बांधी जाती है, यानी पिता की जिम्मेवारी जब पुत्र के ऊपर आती है तो उस वक्त वो भी भावुक हो जाता है। तो जब राज गद्दी पर बैठाना जाने लगा तो नंदीवर्धन ने कहा, उस गद्दी का अधिकारी मैं नहीं वर्धमान है, मुझे छोटा चाहिए। और स्वयं निवेदन लेकर के गए हैं नंदीवर्धन वर्धमान के पास कि उम्र में मैं बड़ा हूं, लेकिन अंतिम वक्त आपने माता पिता को धर्म से जिस कदर जोड़ा, अंतिम बेला में माता पिता को जो ऊर्ध्वगामी बनाया, मेरी ऐसी भावना है जिस गद्दी पर पिता शोभा पाते थे उस गद्दी पर आप बैठे। कहा, भैया क्यों परंपराओं को तोड़ रहे हो? तुम सर्वथा योग्य भी हो, और सबसे बड़ी बात पिता सिद्धार्थ को, माता त्रिशला को मां मैंने नहीं बनाया, सबसे पहले मां बाप तुमने बनाया। तो उनकी गद्दी के स्वाभाविक अधिकारी आप हो, मैं नहीं। मना करते हुए भी बैठना पड़ा, बैठ गए नंदीवर्धन। तो 20-25 दिन के बाद प्रभु महावीर वर्धमान राजा नंदीवर्धन के पास पहुंचे। महाराजा धीराज नंदीवर्धन को वर्धमान का प्रणाम स्वीकार हो। कहो छोटे क्यों? मेरा एक संकल्प था कि जब तक माता पिता रहेंगे मैं दीक्षा नहीं लूंगा। अब माता पिता नहीं, अब आपकी इजाजत चाहता हूं, क्योंकि उनकी गद्दी पर आप विराजमान हैं, वैसे भी मेरे अग्रज हैं, मेरे बड़े भ्राता हैं, मैं दीक्षा की आज्ञा चाहता हूं। ये शब्द सुनते ही नंदीवर्धन की आंखें छलछला गए, एक झटके से गद्दी से उतर गए, वर्धमान के निकट पहुंच गए, गले से लगा लिया, शिशकियां भर गई, रोने लगे कि वर्धमान तुम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते? अभी तो मैं माता पिता के वियोग से उबरा भी नहीं, और आप मुझे दूसरा दर्द देने की सोचते, जबकि तुम्हें पता है कि मैं बचपन से ही, जब से तुम छोटे तब से ही मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूं, और शायद तुमको मेरे प्रेम में कोई बनावट नजर नहीं आई होगी। तुम्हें ज्ञानी कहा जाता है ना, मेरे प्रेम में कोई बनावट नहीं है। अगर तुम मां बाप के कहने से रह सकते हो तो क्या मेरा भी कोई हक नहीं है आपके ऊपर? वर्धमान ने कहा, आंखें पूछ लो, ठीक है, आपके कहने से मैं महल में जरूर रहूंगा, लेकिन मेरे व्यवहार में कोई कमी आए
तो उसके लिए दुख मत मनाना। फिर वो रहे एक साल, लेकिन रहे ऐसे जैसे यहां कोई रहता ही नहीं है, ध्यानस्थ रहने लगे, आत्मस्थ होने लगे, और फिर एक दिन लोकांतिक देव सारस्वत आदि लोकांतिक देव आ जाते हैं और कहने लगे, अरहा बुज्जा है, बुज्जा अरहा, उठा ही पट्ठा ही अरहा अरहा, उठा ही अरहा, पट्ठा ही अरहा, बुज्जा है अरहा, अरहा बुज्जा है। ये जीत व्यवहार होता है उन लोकांतिक देवों का, जबकि पता उनको भी होता है, लेकिन वो एक भूमिका अदा करते हैं। ये कह रहे कि जागो ए अरिहंत, जागो, उठा ही उठो उठो, पट्ठा ही प्रस्तुत हो जाओ, पट्ठा यानी प्रस्तुत हो जाओ, प्रस्तुत यानी अब घर छोड़ दो, अब ये शरीर इस घर का रहने योग्य नहीं है। जब लोकांतिक देवों ने ये अलख जगाई, वर्धमान ने हाथ उठा के कहा, धन्यवाद, समझ गए, सब हो जाएगा, तुम जाओ। संकल्प लिया, क्योंकि बरसी दान दिए बिना कोई भी तीर्थंकर दीक्षा नहीं लेता। तो जैसे ये घोषणाएं हुई हुई, बुज्जा है अरहा अरहा, बुज्जा है बुज्जा है, ये सब सकेंद्र के कानों में पड़े, तो उन्हां वहां पर एक निधि कोष स्थापित किया। निधि कोष जहां पर स्वर्ण मुद्राएं भरी जाती हैं, निधि कोष स्थापित किया और पूरी कुंडलपुर में, आसपास में, नगर उपनगरों में, नगर नगर में घोषणा हो गई कि जिनको दान चाहिए वो कुंडलपुर के राजमहल में पहुंचे, कुंडलपुर के राजमहल के आंगन में पहुंचे। लोग आने लगे जो गरीब थे, और प्रभु महावीर दान देने लगे मुट्ठियां भर भर के। ओहो, तुम तो हिसाब किताब लगा के देओ और देख देख के देओ, हैं? नाम क्या तेरो, पूरा डिटेल दे, हाँ पूरा डिटेल, तुम्हारे यहाँ कौन कितने कमाने वाले हैं, कोई है या नहीं। अरे राम राम, तुम किसी की भी हेल्प करते हो ना तो पूरा बायोडाटा मंगवा लेते, और वो तुम्हारे बायोडाटा के अनुसार होना चाहिए, तब तो तुम देते हो, और देते भी हो, अकड़ते हो। मैंने कई लोगों को देखा है, पहली बात तो यह है कि जो देख देख के देता है वो दान होता ही नहीं है। गौर करना क्या बोला मैंने, जो देख देख के देता है वो दान नहीं होता, जो पत्थरों पर लिखवाता है वो भी दान नहीं होता, वो क्या होता है, वो सहयोग होता है। क्या होता है, वो सहयोग होता है। वो तुम लिखवा देते हो इतने का दान किया, बोल दिया करो इतने का सहयोग किया, दान तो है ही नहीं,
जो लिखवा दिया गया, जो जता दिया गया, जो बता दिया गया, जो एहसान करा दिया गया, वो दान नहीं होता, वो सहयोग होता है। दान तो वो होता है जिसको करके तुम भूल जाते। और वहां खजाने में ये भी देवी देवताओं का काम होता है, वो अपने ध्यान में लगा लेते हैं कि कहां पर किस कितना खजाना किसका गड़ा हुआ रह गया और उसका मालिक अब कोई रहा नहीं, तो उस धन को निकालकर देवता लाते हैं और उस कोष में डालते हैं, उसी कोष में डालते हैं। ये चोरी करके नहीं लाते, कभी तुम सोचो चोरी करके लाते हैं, ये पता लगा लेते हैं अब इस धन का मालिक कोई नहीं है, अब ये धन किसी और के काम आएगा, तो दान देते हैं, भर भर के दान दे रहे हैं। और आपको मालूम है सूर्योदय से दान शुरू होता है और एक पहर तक दान दिया जाता है। सूर्योदय, सूर्य की पहली किरण से ही दान देना शुरू कर देते हैं, यानी 3 घंटे लगातार दान चलता है। और ये कर्म एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, पूरे 1 वर्ष तक चलता है। उसका कैलकुलेशन दिया है कि साल में 3,88,80,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान दिया जाता है। कितना? 3,88,80,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान दिया जाता है। यानी देखो, तीर्थंकर जाते जाते भी लोगों को निहाल कर जाते हैं, वाह। और आप अंदाजा लगाओ वो कितना भाग्यवान भी होगा, गरीब होता हुआ भी, जो होने वाले तीर्थंकर के हाथ से दान लेता है। और बताऊं, हमारे तुम्हारे में से कई रहे होंगे, सच बता रहा हूं, महसूस कर लो क्या जाओ है, क्योंकि मांगना तो तुमने अभी तक छोड़ा है ही नहीं, क्योंकि जब तक मांग जारी है हम मांगते ही हैं, बुरा मत मानना, जब तक मांग जारी है हम मांगते ही हैं। जिस दिन नहीं मांगोगे उसी दिन तो बादशाह बनोगे। तो तीर्थंकर 1 साल तक वर्षी दान देते हैं, दान दिया 1 साल वो भी पूरा हो गया, और अब स्वयं वर्धमान नंदीवर्धन के पास आते हैं कि भैया हम आपके कहने से 2 साल रह लिए, और एक बात याद रखो भ्राता श्री, दीक्षा मेरी नियति है, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, मेरा जन्म, जल्दी बोलो, मेरा जन्म दीक्षा के लिए ही हुआ है, मेरा जन्म ये आखिरी जन्म है, और आखिरी जन्म होने की वजह से दीक्षा लेंगा। और उनका व्यवहार वो 2 साल में देख चुके थे कि वर्धमान महलों में रहते हुए भी महलों में नहीं रहता, महलों में खाते हुए भी नहीं खाता, चल दिए। अब स्वयं राजा नंदीवर्धन ने आदेश दिया है, आदेश क्या दिया, बुला ली मीटिंग कि अब वर्धमान घर छोड़ रहे हैं, दिन यानी तिथि निश्चित हो गई, मंगशिर बदी
दशमी, जिसको हम शुद्ध भाषा में बोलते मार्ग शीर्ष कृष्णा दशमी, इसको हम बोलते मंगशीर बदी, दशमी का दिन निश्चित हो गया, तैयारी शुरू हो गई। चंद्र प्रभा नाम की एक शिविका, जिस शिविका के ऊपर वर्धमान को बैठाना है, उससे पहले स्नान करवाया गया, वो भी देवी देवताओं के द्वारा, और स्वयं नंदीवर्धन लगे हैं, पूरा परिवार लगा है, और उसके बाद शिविका के ऊपर बैठाया गया है, और शिविका इतनी बड़ी है जिसे 1000 पुरुष उठाएंगे, लेकिन उसको उठाने के लिए सबसे आगे सकेंद्र, उसके बराबर में ईशानेंद्र, ये अग्नि वाली बात है, सबसे पीछे चमरेंद्र और बलेंद्र, उसके बीच में देवी उसके बीच में देवता और 64 इंद्र सब लग गए। और मालूम है यहां एक और कमाल किया है प्रभु महावीर ने, वर्धमान ने दीक्षा लेते वक्त, नंदीवर्धन चमर ढुला रहे हैं, आगे वर्धमान बैठे हैं, मुकुट पहने समस्त श्रृंगारों से श्रृंगारित, और इधर उनके चाचा सुपार्श राने, मतलब राजा सिद्धार्थ के छोटे भाई का नाम सुपार्श है, राजा सुपार्श, और उधर उनके बराबर में कौन बैठा, यह बड़ी गजब की बात, मैं अचंभित हो गया, एक धाय माता को बैठाया, उस धाय माता को जिसको तुम नौकरानी कहते हो, जिसको तुम नौकरानी कहते हो, उस धाय माता को बैठाया गया। वर्धमान ने कहा कि धाय माता यहां बैठेगी, कौन सी धाय माता, जिन्होंने बचपन में महावीर को खिलाया था, जिनको महावीर को वस्त्र पहनाए थे, सजाती थी, नहलाती थी, उनकी उंगली पकड़कर चलाती थी, पता क्या क्या क्रियाएं करती थी, उसको बैठाया। यानी दीक्षा लेते लेते भी एक संदेश दे गए, यहां राजा और नौकरानी दोनों बराबर के हैं। अरे मेरे बंधुओं, अपने व्यवहार को चेक किया करो कि हम लोग कहां तक गिर जाते हैं, कितना अंतर कर जाते हैं, कितना भेदभाव कर जाते हो आप लोग। नौकर जिसको तुम नौकर कहते हो, वो तुम्हारा सेवक है, वो तुम्हारी सेवा, तुम पैसा देते हो तो कोई एहसान नहीं करते उसके ऊपर, वो अपना मेहनताना ले रहा है आपसे, लेकिन तू तड़ाक से बोलना, गंदी जबान से बोलना, ये आप जैसे सभ्य पुरुषों को शोभा नहीं देता है। मर्यादाएं होती हैं, आप इन चीजों को समझिए। महावीर से जुड़े हुए लोगों को कहना चाहता हूं कि अपने व्यवहार को जरूर चेक किया करो आप, कि हम कभी कभी इतने घटियापन दिखा जाते हैं कि मुझे अफसोस भी होता है कि आप इतने बड़े लोग भी हो। आपका बड़प्पन किसी को छोटा दिखाने में नहीं है, किसी छोटे को बड़ा बताने में बड़प्पन होता है, किसी को छोटा दिखा करके कोई बड़ा नहीं होता है। धाय माता की आंखों में आंसू, और जनता देख रही है नजारा, शिविका उठ चली है, जय जय नंदा, जय जय भद्दा, जय जय नंदा, जय जय भद्दा। और मालूम है वो समय कितने बजे का है, दिन का तीसरा पहर, दिन का तीसरा पहर चल रहा है, शिविका पहुंच गई है दूर अशोक वृक्ष के नीचे, चारों तरफ जनता ही जनता। उस वक्त
अपना मुकुट उतारा, नंदीवर्धन को दिया, हार उतारा नंदीवर्धन को दिया, कपड़े उतारे नंदीवर्धन को दिया। उफ क्या दृश्य है, लोग रो रहे हैं, महावीर मुस्कुरा रहे हैं, वर्धमान मुस्कुरा रहे हैं। समस्त वस्त्रों का त्याग कर दिया। और तीर्थंकर की एक और अतिशय होता है, वो अतिशय होता है वो नग्न होने के बावजूद भी उनकी नग्नता दिखाई नहीं देती। यहां तो कहीं झाड़ लगा देते लगाना पड़ता है, क्योंकि अब वो आखिर वो चित्र है, वो चरित्र तो है नहीं, चित्र है वो, तो चित्र में कहीं ना कहीं कुछ चीज छुपाने के लिए कुछ आड़े लानी ही पड़ती है। तो ये चमत्कार होता है तीर्थंकर का, सब कुछ त्याग दिया, दिन छुपने वाला है, वहीं उन्होंने क्रेमी भंते सामायम सवम सावज्जम जोगम पचक्खामी ओम नमः सिद्धानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो सिद्धानम। दीक्षा ले ली है देवताओं ने, वहां पुष्प वृष्टि की है, महोत्सव मनाया गया है। इस प्रकार आज आप सभी के समक्ष दीक्षा कल्याणक का दृश्य संपन्न हुआ। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों